बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम एवरीवन। आई होप सब मौजूद हैं। आज बहुत सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन मना रहे होंगे, हो सकता है घर पे ना हो, मगर कराची में Now this is better, hopefully. अच्छा, आप सब खैरियत से हैं? Always is not. आप क्लियर है जी? हेलो डियर सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस क्लियर नाउ? ओके समरा, आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स रॉन्ग, बट लेट मी चेक इट आउट because the expert person Uruj is the one, and you know that she is not here. So main zara anadhi aadmi hu, I'm not technical. Okay, pehle jaldi se sawal nipta le aur fir end mein kuch baatein karunga. Aaj puri duniya mein kai mulkon mein new year eve ho chuki hai, balki new year ho chuka hai Australia, New Zealand wagaira mein. So as usual Thursday hamara sawalat ka silsila hota hai, to hum sawalat pe jayenge. पहला सवाल दोस्तों, अच्छा सबको सलाम और सबको वालेकुम अस्सलाम। ज़ार इंडिविजुअल मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे सकता। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर हो चुका है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे पूछना है कि फर्स्ट कज़न में शादियाँ ना करने की कोई बेहतर को बेहतर कहा गया है, इसके डिटेल समझा दें प्लीज़। फर्स्ट कज़न से क्या मुराद है? ये फरा ने पिशावर से लिखा है। देखिए फर्स्ट कज़न से मुराद ये कि आपके चाचा ताया, उनकी औलाद जो होती है वो आपकी फर्स्ट कज़न होती है, और आपकी अगर फुप्पो है और आपकी खाला है तो वो सेकंड कज़न होगी। फर्स्ट कज़न में इसलिए मना करते हैं कि अब साइंस ने एक चीज़ मालूम कर ली है कि अगर, क्योंकि आपके फादर, आपके ताया, आपके चाचा वो एक बाप से आए हैं, तो उनके जीन्स की आपस में एक कनेक्शन होती है, मैचिंग होती है। तो अगर उनकी औलाद से शादी होती है तो चांसेस है कि जो जेनेटिक इम्प्रिंट है उससे आपकी औलाद वीक पैदा होगी। औलाद हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या जिस्मानी तौर पर कोई ख़राबी हो, इसलिए डिस्करेज किया जाता है कि आप अपने फर्स्ट कज़न से शादी ना करें तो बेहतर है। हमारे माशरे में कई जगह पर लोग जो हैं वो फर्स्ट कज़न से शादी ही प्रिफर करते हैं, इसीलिए बाज़ दफ़ा आगे जाके जो नस्ल है आपकी उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। एक कम्युनिटी थी पाकिस्तान में, अब तो वो चली गई, शबाना हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, जहाँ जहाँ हो चुका है। सलीम चौधरी साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपका तो न्यू ईयर हो चुका होगा। तो एक पाकिस्तान में कम्युनिटी होती थी, पारसीज कहते थे उनको, और ये बड़े कमाल के लोग थे। अक्सर बड़ी कंपनीज में जो बॉसेस जो होते थे, सीईओस या जो सीएफओ होते थे, उनकी जो सेक्रेटरी होती थी वो पारसी खवातीन होती थी। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत थे, इनमें से बास डॉक्टर्स बड़े मशहूर हैं। इनफैक्ट बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो डॉक्टर था, गायनोकोलॉजिस्ट, वो भी एक पारसी था। तो ये बड़े मशहूर लोग होते थे, बड़े ईमानदार, बड़े दयानतदार, बड़े सच्चे, अपने काम के साथ मुखलिस, तो लोग प्रिफर करते थे। एक और चीज़ भी इनके बारे में मशहूर थी, अपनी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते थे। अगर आप लोगों को याद हो
एक दौर था कि अगर अखबार में इश्तिहार आता था गाड़ी का, पुरानी गाड़ी का, और लिखा होता था पारसी ओन, तो लोग उस गाड़ी की तरफ जाते थे, उनको पता है कि पारसी की रखी हुई गाड़ी जो है बहुत अच्छी होगी। ये बड़े कंटेंटेड लोग होते थे और बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। कावस जी का आपने नाम सुना होगा, कावस जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान में, और बहुत अवारी, बहराम अवारी वगैरह, अवारी होटल्स वगैरह। तो अब वो कम्युनिटी पाकिस्तान से चली गई है नियरली, अब वो इंडिया में ज्यादातर है, मुंबई वगैरह में। और उस कम्युनिटी के अंदर कुछ खास क्वालिटीज होती थी जो रिमार्केबल थी, मगर उस कम्युनिटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिक डिफेक्ट आना शुरू हुई औलादों में। जो औलादें पैदा होना शुरू हुई, किसी में मेंटल डिसऑर्डर, किसी के अंदर जिस्मानी तौर पर डिसऑर्डर, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो औलादें होने लगी वो डिफेक्टिव होने लगी। तब ये कहा जाता है कि ये जो पूरी कम्युनिटी है ये आहिस्ता आहिस्ता पैरिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, इनकी तादाद कम होती जा रही है क्योंकि बच्चे उतने पैदा नहीं हो रहे। अच्छा मैं ये कर लूँ, मैंने नहीं लिखा था, वहां तो आ रहा था मेरा नाम वगैरह सब कुछ। अच्छा जी, ताबी साहब आए हुए, कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे। एनीवे, तो फरा बेहतर ये कि कजन में शादी ना हो। जब नए लोगों में आते हैं जिसका जेनेटिक मैचिंग नहीं है आपके साथ, तो औलाद जो है वो एक बेहतर पैदा होती है, सेहतमंद होती है, क्योंकि दो नए लोगों के जीन्स मिलकर एक थर्ड ऑप्शन निकलता है उसमें से। दूसरा सवाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पीपल डोंट माइंड देयर ओन बिजनेस, दे प्रेफर टू पोक देयर नोज इन एवरीथिंग, हाउ टू डील विद देम और हाउ टू अवॉइड देम। यार ये उन लोगों के बारे में सवाल है जो दूसरों के मामलात में अपनी नाक डालते हैं, तो उसके लिए बेस्ट तो ये कि आप, मैं जनरल सवाल आपने पूछा है, मैं जनरल जवाब दूंगा। पहले तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है या क्या है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे अवॉइड किया जा सकता, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्लोज रिलेशनशिप, जिनके साथ आपको उठना बैठना हो या अक्सर मिलना हो, या ऑफिस में वो कुलीग्स आपके हैं जो जिनके साथ आप काम करते हैं, या आपके बॉसेस या आपके सबऑर्डिनेट्स, तो इनसे डील करने के लिए याद रखें कि आप सबसे बेस्ट तरीका इग्नोर करें। इग्नोर इग्नोर मैं कंटिन्यू करूं होल्ड कीजिए दोस्तों। बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें माँ से मूट म्यूट कर दे, बाउंस कर रही है। बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें, जिनको आपने अगर कोशिश की उनको रोकने की, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर यह है कि आप इग्नोर करें, और जिनको अवॉइड कर सकते हैं इनको अवॉइड करें। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मिले उनसे। तो बहरहाल आज अनाउंसमेंट भी थी, पता नहीं ताबिश साहब को याद है कि नहीं, 3 जनवरी को पहली दफ़ा ऑनलाइन रेकी का फ्री इंट्रो कर रहे हैं, तो आई होप वो लिंक भेज दें हमें, तो हमें समझ में आए। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल के टॉपिक हु एम आई, अब आप सोचिए कितने दिन बाद इनका सवाल का नंबर आया। जब हमने टॉपिक किया था ना, मैं कौन हूँ हेवन ऑफ फीलिंग में से रिलेटेड, एक हेवन ऑफ फीलिंग टॉपिक देना है और दो सवाल। टॉपिक यह है, व्हाट इज रियलिटी। अब दोस्तों ये टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं थोड़ी देर में तो बात नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मंगल को उरूज कराची में होगी, और सैटरडे वो नहीं होगी बिकॉज सैटरडे रात की उसकी फ्लाइट है,
संडे कराची पहुंचेगी, तो मैं फिर ट्यूसडे को ये टॉपिक ले लूंगा। ताबिश आपको मैंने बता दिया, ट्यूसडे हेवन ऑफ फीलिंग का टॉपिक है, व्हाट इज रियलिटी, हकीकत क्या है। ताबिश याद रखना। अब बाकी दो सवाल आपके अभी आए नहीं है, अब आएंगे तो मैं जवाब दूंगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, सलाम सर, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, प्लीज आंसर इन लेक्चर। अच्छा दोस्त, अगर आप बुरा ना माने तो ये चूंकि बहुत ही लेंदी जवाब होगा, तो ये बेहतर है कि हम हैव नो फीलिंग में उसको लें, क्योंकि कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना एक तो वक्त तलब है, टाइम लगता है, दूसरा ये है कि उरूस साथ होगी तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकेंगे। सिर्फ इतना बता दूं कि जिसको हम कहते हैं जी बंदा कॉन्शियस हो गया, यानी जब हॉस्पिटल में कोई बंदा हो और उसको एनेस्थीजिया दिया हो, जी एनेस्थीजिया, जनरल एनेस्थीजिया, तो पूछते हैं पेशेंट के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार, घर वाले, कि जी होश में आ गया। तो आमतौर पर कॉन्शियसनेस को हम होश में कहते हैं, होशमंदी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, मगर रूहानियत में कॉन्शियसनेस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम इस टॉपिक को हम हैवन ऑफ फीलिंग में ले लें तो मैं उसको डिटेल में डिफाइन कर सकूँ कि मेडिकल साइंस में कॉन्शियसनेस का क्या तस्वुर है, साइकाइट्री में क्या है, और रूहानियत में कॉन्शियसनेस का तस्वुर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर दुनिया में बड़े पेपर्स लिखे गए, बड़ी रिसर्च हो रही है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के। तो इस सवाल को अगर हम मौखर कर सकें हैवन ऑफ फीलिंग में, मोस्ट प्रॉबली मंगल को तो हम व्हाट इज़ रियलिटी पे बात करेंगे जब रूज हो चुकी होगी यहाँ पर, और उसके बाद जो सैटरडे होगा वो हम उस पर बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस किस्म के सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे सुनने वाले वो सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, और यही चीज़ दुनिया का हर मज़हब सिखाता है कि इंसान अपने जहन का इस्तेमाल करे जो उसको दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अशरफुल मखलूकात एंड हाउ कैन अ पर्सन बी अशरफुल मखलूक। मेरे ख्याल में ये किसी खातून का सवाल था, बिकॉज अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके नाम ना लिख लेके आम साथ। अशरफुल मखलूक का मतलब है तमाम मखलूकात में सबसे आला मकाम या बेहतरीन मखलूक तमाम मखलूकात में, शर्फ जिसको मिला हो। अब कुरान ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है, और जाहिर मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता, उलमाए कराम इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते, सिर्फ समझा दूँ आपको। अल्लाह ताला जब इंसान को दुनिया में भेजता है तो वो इंसान भेजता है, और वो फितरत के तरीके से बच्चा माँ के पेट से निकलता है। उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो जो माँ बाप हैं, घर वाले हैं, जिस माहौल माशरा मुल्क में वो आता है, उस घर का मज़हब, उस घर का अकीदा, उसका फिरका, उसकी बरादरी, उसका रहन सहन, खाने पीने का तरीका, जो भी पूरी लाइफ स्टाइल है, और सबसे बड़ी चीज़ जो अकायद, जो बिलीव्स माँ बाप के होते हैं या घर वालों के होते हैं, वो बिलीव्स उस बच्चे को इंसान के बच्चे से आदमी का बच्चा बना देते हैं। आदमी का बच्चा बनने के बाद अब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं कभी कभी किसी को ये शर्फ मिलता है कि वो सोचना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ। और जब ये सोच आना शुरू होती है और ऐसी आए कि इंसान बेकल हो जाए, इंसान को दुनिया से लिज्जत कम हो जाए, और वो सोचने में लगे कि मैं आया क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, वो डायरेक्शन ढूंढता है, पर्पज़ ऑफ लाइफ ढूंढता है, पर्पज़ ऑफ लिविंग ढूंढता है, तब जाके वो रियलाइजेशन की उस पहली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है जहाँ वो बनता है जो उसे भेजा गया था। अशरफुल मखलूकात सिर्फ कहने से इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं बनता, यू हैव टू क्वालिफाई टू बी अशरफुल मखलूकात। चाहे आप किसी भी दीन और मज़हब से हों, आपका किरदार, आपका इखलाक, आपका इल्म, आपकी करनी, आपके एक्शंस, ये अगर होंगे दुरुस्त सिमत में, इन द राइट डायरेक्शन, ओनली देन यू आर अशरफुल मखलूकात, अदरवाइज यू आर जस्ट अ मखलूक। जैसे अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है, आप भी मखलूक है,
तो अल्लाह आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा उस वक्त देता है जब आपके आमाल उस तरह से हो, तब आप क्वालिफाई करते हो एज अशरफुल मखलूक। अगर आज के दौर में इंसान दरिंदों से बदतरीन है, जहां गिरता है वो नीचे तो इतना नीचे गिरता है कि दरिंदा भी इतना नीचे नहीं गिरता। दरिंदा भूख लगती है तो वो शिकार ढूंढता है, शिकार करता है। अगर उसके इलाके में कोई आ जाए तो अपने इलाके की हिफाजत के लिए लड़ता है, मार देता है। मगर इंसान इन दोनों चीज़ों के बावजूद हिर्स और लालच की वजह से भी दूसरों का कत्लो गारत करता है और बहुत कुछ करता है। और वही इंसान जब ऊपर चढ़ना शुरू होता है रूहानियत की मंजिल पर और किरदार और इखलाक और इल्म की मंजिल पर, तो वह एक ऐसे मकाम पर पहुँचता है जो फरिश्तों से ज़्यादा अफजल उसका मकाम है, वो मकाम अशरफुल मखलूकात का। तो हमें अपने ज़ात में, अपने गरेबान में झांक कर गौर करना होगा कि डू वी क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अशरफुल मखलूकात और नॉट। हमारे आमाल कैसे हैं, हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, क्या हम पाबंद हैं अपनी ही नज़रियात की कैद में, क्या हम पाबंद हैं अपने ही तासुब की जेल खाने में। अगर हैं तो फिर वी आर नॉट अशरफुल मखलूकात, वी आर जस्ट मखलूक आदमी औरत। दोस्तों अजान आ रही है, एक लम्हे के लिए जरा क्वाइट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बेसिकली ओसीडी के बारे में पूछना है और यकीन के बारे में। जब हमें सब कुछ सही पता है और ये भी पता है कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं होता? अभी भी दो चीज़ें आपने पूछी है, एक ओसीडी और एक यकीन के बारे में। ओसीडी कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक नफ्सियाती बीमारी है और बहुत, अल्लाह माफ़ करे, बहुत तकलीफ दे और बहुत बुरी बीमारी है। और इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो आपको साइकाइट्रिस्ट से रुजू करना पड़ेगा, दवाई के साथ साथ फिर साथ इसकी थेरेपी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज कम हो जाता है। इस मर्ज की होने की सबसे बड़ी वजह जो कॉज होती है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस और सेंसिटिविटी होती है। जिन लोगों में हसासियत हो, जिन लोगों में स्ट्रेस हो, वहाँ ये चांसेस हैं कि ये हो जाती है। ओसीडी में होता ही है, उसको हम कहते हैं सुई अटक जाना, यानी एक ही सोच पे जहन अटक गया। जब तक वो करेगा नहीं, उसे चैन नहीं आएगा। मसलन मगरिब में ओसीडी लोगों को इस तरह होता है कि जी बार बार चेक करेंगे घर का दरवाज़ा बंद है कि नहीं, चाबी रखी है कि नहीं, ये ओसीडी वहाँ पर होता है। पाकिस्तान में और बिलखसूस मुसलमानों में, चूँकि यहाँ तहारत का बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाकिजगी का और सफाई का, तो यहाँ ख़वातीन को जो ज़्यादातर ओसीडी होता है उसमें ये होता है कि जी वज़ू पूरा हुआ कि नहीं, मैं पूरे गुसल किया कि नहीं किया। तो ऐसी ख़वातीन चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे बाथरूम में होती है और एक वक्त में पूरा सोप ख़त्म कर देती है, उनके हाथों की जिल्द ख़राब हो जाती है, घर में पानी ख़त्म हो जाता है, और उनके उनके अलावा जो घर वाले उनके लिए भी बहुत ही अज़ियतनाक ये बीमारी है। खुद मरीज़ के लिए तो है, मगर मरीज़ के घर वालों के लिए भी बहुत अजियतनाक, बहुत तकलीफ दे। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए ओसीडी के, और हमने बहुत कोशिश की और बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये शमीन नकवी कह रही, यस कोई फायरिंग मत करना प्लीज़, अपने आप को दूसरों बचाना। मेरे ख्याल में अल्लामा साहब जो है लगता है एक्टिव हो गए, क्योंकि अब वो कोई कमेंट्स उन्होंने भेजने थे, वो पता नहीं भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, गॉड नोस। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, काम के हवाले से मैं ज़रा सी भी बेतवज्जह ही या बेकायदगी
और एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम ऐसा है जिससे लोग मुंसलिक हैं। तो कभी-कभी हमारा अपना स्टाफ या तो बहुत होशियार होता है या बहुत बेवकूफ़ी करता है। बीबी, तो ओसीडी बीमारी है, ओसीडी के बारे में आप चाहें तो गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। और ऐसे सवाल क्यों मुझसे पूछती हैं कि जिसका जवाब मिल सकता है गूगल से। अब यकीन और बेयकीनी का बड़ा मसला है। आपको यकीन है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो सही है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपकी बेयकीनी यकीनी बेयकीनी में तब्दील हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको अपनी जात पर एतमाद नहीं होता। यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ। जब जात पर एतमाद इंसान को हो तो फिर उसका यकीन बेयकीनी में तब्दील नहीं होता। अब इसकी बहुत सारी वजूहत होती है। आपकी अपब्रिंगिंग में, अगर वालिदैन ने आपको डिसीशन में शामिल किया, अगर वालिदैन ने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया, कॉन्फिडेंस दिया, तो आपकी शख्सियत में वो पुख्तगी आती है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आते हैं, जिससे अगर आपको किसी चीज़ पे यकीन है तो यू फॉलो इट, अदरवाइज आपकी बेयकीनी की कैफियत में दाखिल होते हैं। बेयकीनी का ताल्लुक बेसिकली व्हेन यू से यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ। आपको पता है इस वक्त कि मैं ये कर रहा हूँ और इस वक्त फोन कर रहे हैं। अब आप देखिए, आज मेरे स्टाफ की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इनको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और वो मुझे कॉल कर रहे हैं। एनीवे, क्या करिए, आखिरी दिन है पुराने साल का। उम्मीद करता हूँ नए साल में मेरा स्टाफ भी कुछ थोड़ा सा सीख जाएगा। आखिरी सवाल दोस्तों, सर हम लोग एज अ कॉम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के हालात की वजह से परेशान होते हैं और कुछ करना चाहते हैं, मगर हम वेट करते हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो जब करेंगे या गवर्नमेंट करेगी। अच्छा सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान क्या भारत, बांग्लादेश, ये तमाम उन मुमालिक में बड़ा कॉमन है जहाँ पे स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पावर्टी ज़्यादा है, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी चैलेंजिंग होती है, और जो बिल्कुल वो तबका है जो मजदूर है, किसान है, उनको अपनी ज़िंदगी की बका के लिए या ज़िंदा रहने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मतलब हैंड टू माउथ होते हैं वो। अब इनका सवाल यह है कि पाकिस्तान से तो मोहब्बत है, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर हम वेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती आप वेट करते क्यों हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ये आप तो पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपके जवाब मेरा जवाब डिफरेंट होगा, अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं जवाब डिफरेंट होगा। पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप वैसे ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत करते हैं। जब आप पाकिस्तान के नज़रियात को, पाकिस्तान के इश्यूज को आप हाईलाइट करते हैं अपने मुल्कों में, अपनी पार्लियामेंट्स में करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी बरतानिया में और अमेरिका में उस पोजीशन पे है जहां वो प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आती है उसके उसके कंसर्न्स को वो एड्रेस कर सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी ये करते हैं कि आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट भेजते हैं अपने घरवालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। पाकिस्तान का लिए बहुत बड़ा सहारा है, ज़र मुबादला जो हमें आता है, एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स है इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर ये जो आप पैसे भेजते हैं इससे हमारी हमारे ख़जाना जो है वो थोड़ा मजबूत रहता है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपको आके कहेगा कि चले जी आपको मैं काउंसलर बना देता हूँ, आपको मिनिस्टर बना देता हूँ, आपको एडवाइज़र बना देता हूँ। सच थिंग्स डोंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि अगर आप काउंसलर बन गए और अगर आप वजीर बन गए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा आप अपनी खिदमत खुद करेंगे। अक्सर हाफिज मुबीन साहब, प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग दिस मैसेजेस, दूसरों के मैसेजेस नहीं आ पा रहे। हाफिज मुबीन, प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग सो मेनी मैसेजेस, आई अप्रिशिएट इट, यू लव अस एंड वी लव यू ऑल्सो, बट लोगों को भी मौका दें वो अपने मैसेजेस भेज सकें। मैं अगर मुझे इक्तदार मिल जाता, मैं अपनी बात इस तरह कर रहा हूँ कि मतलब हम सब एक ही हैं, तो चांसेस ये है कि उस ताकत की वजह से
मेरे अंदर तकब्बुर पैदा होगा, घमंड पैदा होगा, हो सकता है मैं बुरे काम भी करने लगूं, हो सकता है मैं बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, गलत ठेके दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे कई दफ़ा, कई सालों से लोगों ने मुझसे कहा था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, मैंने हाथ जोड़ के मना किया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी खतरे को अपने ऊपर सादिर क्यों करूँ कि जिसमें चांसेस है कि मैं करप्ट हो जाऊँ, तो मुझे फिर मर के अल्लाह को जवाब देना। तो मैंने ऐसी कई चीज़ों के लिए बहुत सालों पहले मना कर दिया था। मैं अपने कई वर्कशॉप्स में बता चुका हूँ बहुत सारे वाक़यात जो मुख्तलिफ पार्टीज पाकिस्तान की जो बरसर इक्तदार रही है उस हवाले से मैं बहुत दफ़ा किस्से बता चुका हूँ। अब मैं एक शहरी हूँ, एक आम सा शहरी हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, तो मैं किसका इंतज़ार करूँ कि कोई आके मुझे कोई मनसब दे, कोई इक्तदार दे, कोई ताकत दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसके दिल में मोहब्बत हो वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप अपने घर का कचरा बाहर मत फेंके, अपनी गली को साफ रखें, बहुत बड़ी बात है ना, अपनी गली को हर आदमी अपनी स्ट्रीट को साफ रखें तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। आप रिश्वत को कंडेम करें, मेरिट को अप्रिशिएट करें, उसे उसे आप सपोर्ट करें मेरिट को, लोगों के साथ जब बात करें तो मेरिट की बात करें। आप अपने घर में इंसाफ कायम करें, हर आदमी अपने घर में इंसाफ कायम करें, तो ये इंसाफ पाकिस्तान की अदालत तक पहुंचेगा। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल है। जब कोई माशरा बिगड़ता है, बर्बाद होता है, तबाह होता है, तो सबसे पहले वो शुरू जो होता है वो उस माशरे में रहने वाले जो अफराद है उनकी सोच और उनकी घर में जो हरकतें वहां से शुरू होता है। और जब घर के अंदर इंसाफ नहीं है, घर के अंदर जुल्म है, बेटी पे जुल्म है, बहू पर जुल्म है, सास पर जुल्म है, बीवी पे जुल्म है, इंसाफ नहीं है, तो फिर वो नाइंसाफी ट्रेवल करती है और वो आपकी कोर्ट्स तक पहुंचती है जहां जजेस और लॉयर दोनों मुतासिर होते हैं अनकॉन्शियसली, उनको पता भी नहीं होता। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ, पहले आप मुनसिफ बने तो फिर माशरे के अंदर इंसाफ मिलेगा। आप मुनसिफ नहीं है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि माशरे में लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो इंतज़ार ना करें कि कोई आपको आके कुछ ऐसे ओहदा दे या कोई ऐसा मनसब दे। वॉट एवर यू कैन डू इन योर कैपेसिटी एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, डू इट। यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनीवन। आप गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक की पाबंदी करें कवानीन की, आप गाड़ी गलत पार्क मत करें, जुम्मे की मस्जिद में नमाज के लिए जाएं तो मेहरबानी करके किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क ना करें कि उसका रास्ता बंद हो जाए। मैंने जुम्मे के दिन मस्जिदों के बाहर ट्रिपल पार्किंग देखी है, यानी एक गाड़ी, दो गाड़ी, उसके साथ तीसरी गाड़ी। अब वहां वो जो सड़क है वो इतनी जगह एक गाड़ी के आने जाने, किसी को इमरजेंसी हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, एम्बुलेंस आना हो, क्या होगा? और हम ये समझते हैं अल्लाह की इबादत करने जा रहे और जिस अल्लाह की इबादत करते उसकी मखलूक को तकलीफ दे तो वो इबादत क्या हुई? अब ये सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए हमें अपने जहनों को खोलना पड़ेगा और वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने जहन से तासुब और नजरियात निकालें, क्योंकि वरना मेरी बात जैसे आप सुनेंगे आप उसको रिजिस्ट करेंगे। चेंज बहुत मुश्किल अमल है, रियलिटी को देखना, सच्चाई को देखना बहुत मुश्किल काम है। आप जिस जगह खड़े हैं जमीन निकल जाती है आपकी, वहां से अगर आप अपनी जमीन को छोड़कर किसी और जगह जाना चाहते हैं, किसी और सोच पे जाना चाहते हैं, किसी और नजरिए को समझना चाहते हैं, तो पहले अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। कौन छोड़ेगा? हम तो गुलाम है अपने अपने तासुब के, अपने नजरियात के, अपने अकाइद के गुलाम है। और हर इंसान अपनी नजर में सही है, दूसरा गलत। तो आज दो चार अल्फाज आपसे कहना चाहता हूं। 2020 जब शुरू होने वाला था, मुझे याद नहीं, 2019 के एंड में उरूज ने मुझसे कुछ कहा था, ये फेसबुक पे भी मौजूद है वीडियो मेरी और यूट्यूब पे भी मौजूद है,
और मैंने कुछ बातें कही थी 2020 के बारे में, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी वो वीडियो। मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, ना मैं स्पेकुलेशन करता हूं। स्पेकुलेशन की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स मार्केट में, ट्रेडिंग में की जाती है। प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं। ना मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं, ना मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। मैं स्पेकुलेशन भी नहीं करता, मैं प्रिडिक्शन भी नहीं करता। मेरे पास अगर कोई खबर आती है कहीं से, अब ये मत पूछिएगा कहां से, क्योंकि जहां से आती है वहां ना टाइम है ना स्पेस है, तो कैसे बताऊंगा किस सिम से आती है। तो मैं आपको कभी कभी बता देता हूं, बहुत सारी चीजें बता भी नहीं सकता। तो आज चंद लोगों ने गुजारिश की थी कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं बता दूं आपको। आपको याद है 2020 के बारे में मैंने कहा था कि बहुत अहम शख्सियात जो पाकिस्तान की है वो दुनिया से, उनका इंतकाल हो जाएगा। और आप जानते हैं हमें तो पता नहीं था कि फरवरी से ये वबा दुनिया में फैली, और इस वबा के बाद दुनिया में बहुत सारे, पाकिस्तान में और बिल्कुल दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई बीवियों के सुहाग उजर गए, कई बच्चे यतीम हो गए। वो वक्त भी आया जब इस वबा ने तबाही फैलाई, तो इतनी फैलाई कि कारोबार बंद हो गए, और हर मुल्क ने अपने अपने तौर पर अपने शहरियों का जो हेल्प कर सकती थी शहरों की उन्होंने की। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोगों को याद हो 2019 में मैंने जो बातें कही थी 20 के हवाले से, बड़ी नामवर शख्सियतें दुनिया से रुखसत हो गई। और मैंने एक हादसे की, एक वबा की बात एक कहा था कि दुनिया पे एक बड़ी मुसीबत आएगी, तो वो वबा की सूरत में आई। मैंने ये कहा था कि 21 में हालात बेहतर होना शुरू होंगे। पाकिस्तान के लिए बिलखसूस हालात 2022 से बहुत डिफरेंट होंगे। और ये भी मैंने कहा था कि 2022 के बाद कई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं, काम कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। और ये वैसे आपने 2020 में देखा होगा, ये अमल शुरू हो चुका है। 21 में ज्यादा होगा, 22 में बहुत सारे आ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए 2022 और उसके बाद के हालात बहुत अच्छे हैं। अलबत्ता याद रखिए, कभी कभी मतला आसमान पे साफ हो, फिर भी कुछ देर में बारिश हो जाती है, बादल आ जाते हैं, थंडरस्टॉर्म आ जाता है, लाइटनिंग होती है और बारिश हो जाती है। हम जो चीज यूज करते हैं उसे कहते हैं आरवी या फिर सिल्वा और 4D की टेक्निक, कि जहाँ हम किसी वाक्य के बारे में हमें पता चलता है, हम वाक्य को देखते हैं इन आंखों से नहीं, वो अंदर वाली आंख से, लेकिन कभी हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो वाक्य हम देख रहे हैं वो इस वक्त से कितना दूर है। इसलिए एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कब होगा, मगर वाक्य हमारे पास आ जाता है। सिल्वा में जिन लोगों ने ड्रीम कंट्रोल किया है, वो चाहे तो ये चीज़ उनके पास भी आ सकता है, ये सलाहियत, और कोई बड़ी चीज़ नहीं, इल्म लादूनी है। और अक्सर लोग बेवकूफ़ी में, जहालत में और इग्नोरेंस में इसे गैब समझते हैं, गैब नहीं है। और उस पर मैं कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। इनफैक्ट लास्ट 2-3 सेशन में मैंने बताया था कि असल में गैब क्या है। तो अब 21 में तकलीफ है, हमने 20 में कुछ सीखा और कुछ नहीं सीखा। 20 में हमने ये सीखा कि इंसानी रिश्ते और रिश्तों से ताल्लुक रखना बड़ा अहम है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारी जात के लिए। हमने जब बहुत सारा वक्त घर में गुजारा, तो हमें एहसास हुआ कि हमारे घर में हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं। इसको इस तरह मैं समझाऊं कि एक दिन यह हुआ कि हमारे घर में लाइट चली गई, हमारा जनरेटर खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो ना टीवी था, ना मोबाइल फोन था, क्योंकि चार्ज भी नहीं था और वाईफाई भी बंद था। एक पूरी रात और एक पूरा दिन इस आलम में गुजरा, तो मैंने एक अजीब गरीब एक्सपीरियंस किया। मुझे वो आवाजें आने लगी जो पहले से मौजूद तो थी,
मगर कान सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि टीवी की आवाज चलती थी, लोगों के बातों की आवाज चलती थी ज्यादा, और टीवी बहुत, तो वो आवाजें जो बिल्कुल खामोशी में होती है, खामोशी की अपनी एक आवाज होती है, वो आवाज सुनाई देने लगी। मुझे एहसास हुआ कि जब टीवी बंद है, रेडियो बंद है, सब बंद है, तब तो मैं करूं क्या। मैं अपने घर वालों के साथ बैठा और हमने वो बहुत सारी बातें की जो बरसों से हम कर नहीं पा रहे थे। वजह ये थी कि हम हर आदमी घर आने के बाद टीवी गया, अपनी फैमिली के साथ है, टीवी चल रहा है, प्रोग्राम देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सोचा ही नहीं खाना खाते वक्त कि कुछ और बात भी करें सिवाय पॉलिटिक्स के, क्योंकि वक्त कम था ना। खाना खाते वक्त जितनी बातें हुई फैमिली में वो ही होती थी। मगर ये जो एक्सपीरियंस हुआ ये बड़ा रिमार्केबल था। ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि खामोशी में बेतहाशा सुकून होता है। कभी अपना टीवी कुछ देर के लिए बंद कर दें, रेडियो कुछ बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, खामोशी के साथ बैठे रहें, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सुकून, पीस, एक अजीब सी कैफियत तारी होगी आपको। और मैंने ये कैफियत अक्सर देखी है, नमाज के बाद जब जाए नमाज पे कुछ देर बैठता हूं सिर्फ खामोशी के साथ, तो वो कैफियत तारी होती है। इसीलिए कभी कभी नमाज के बाद कुछ देर जाए नमाज पर बस बैठ जाए, मांगना है वो नमाज के फौरन बाद सजदे में मांग ले, मगर उसके पास सिर्फ बैठ जाए और इंतजार करें कि आपके पास क्या पैगाम आते हैं, क्या बरकतें आपके जिस्म में और आपकी रूह में आती है। सॉरी दोस्तों, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। एनीवे, बताना सिर्फ ये था कि अगर सीखा तो बहुत अच्छा, अगर ना सीखा तो गलत किया। एक चीज का पता चला कि देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ, देर इज नो सर्टेनिटी। कल क्या हो जाए किसको पता, कुछ नहीं पता कुछ। तो जो करना है वो काम आज कर लूं, आई शुड नॉट डिले टिल टुमारो। जो मुझे किसी को माफ करना है माफ कर दूं, किसी से माफी मांगनी आज मांग लूं, किसी के पैसे देने दे दूं, किसी का कोई काम करना है कर लूं, कल का नहीं पता। और आई होप कि हम सब समझ गए होंगे जो 2020 में हमने वाकयात देखे, जहां हम सोच नहीं सकते थे कि अफराद जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, ताया, चाचा, मामू, मुमानी, फनकार, गुलूकार, शायर, अदीब, डॉक्टर्स, दुनिया से रुखसत हो गए। मरना सबको है, लेकिन एक वबा से मर जाना जहां खौफ और दहशत का आलम हर घर में सड़कों। दूसरी चीज जो हमने सीखनी है वो सीखनी है कि अगर हम एहतियात नहीं करते तो हम या तो कातिल हैं या फिर हमने खुदकुशी की है, दोनों बहुत बड़ा गुनाह है, रब माफ नहीं करता, क्योंकि जान अमानत है उसकी, उस अमानत में खयानत नहीं हो सकती। और दूसरों की जान का मतलब है आपने उस जान को ले लिया, आपने फिर खयानत की, तो दोनों जुर्म नाकाबिले माफी है, सिवाय इसके कि अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे तो कर दे, मगर वो भी उस वक्त करेगा जब उस शख्स के घर वाले और वो शख्स रोज़े महशर आपको माफ करे, वरना अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो ये जो एहतियात हमने घरों में रखनी है, बच्चों को सिखानी है, मेरा दिल रोने लगता है, मुझे शदीद कोफ्त होती है जब मैं लोगों को रोड पर देखता हूं बगैर मास्क के, और अजीब व गरीब उनके पास जुमला होता है और मुझे समझ नहीं आता कि इन ना समझों को या बेवकूफों को, जहालत को हम कैसे खत्म करें। कम से कम मैं और आप जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, इसको आप शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, शायद दूसरों में समा जाए। हम में से हर आदमी कम से कम वो काम तो करें जो कर सकते हैं। जैसे हमारी किसी बहन ने सवाल पूछा था कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमसे कहे, तो सबसे पहले तो ये करें ना, अपने अतराफ में जिनको देखें बगैर एहतियाती तदाबीर के मास्क के, उसको कहें कि पहने, अपने साथ एक डब्बा रखे, जिसे ना पहना उसको दें कि पहनो। पूरे पाकिस्तान में से शदीद सर्दी है,
कुछ लिहाफ खरीद ले, रात को निकले गाड़ी में, आपकी जो जो आपकी बसात हो उससे ज्यादा नहीं। और वो जाके कुछ लोग ऐसे सड़कों पे सोए होते हैं, उन पे लिहाफ डालते हैं, देखने कोई भूखा तो नहीं है, गली में जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको कुछ दे दिया करें, परिंदों को दाना देते हैं। गर्मियों में तो हम खास रिक्वेस्ट करते हैं कि एक प्याले में पानी रखा करें ताकि चिड़िया और परिंदे आके वो पानी पी लें। इतना तो मैं और आप कर ही सकते हैं ना। इसके लिए हमें कोई मनसब नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, और कोई जरूरी को कोई आके हमसे कहे। हम कोई छोटा सा पौधा घर के बाहर लगा सकते हैं ना, उस पौधे को हम ख्याल रखें, उसे पानी देता कि एक दरख्त बन जाए चंद साल हो गए, ये काम तो हम कर सकते हैं ना। हम अपने पड़ोस में एक नजर तो रख सकते हैं ना कि किसी के घर में कोई परेशानी हो। इंसान जब मुश्किल में होता है तो उसका चेहरा उस मुश्किल की नुमाइंदगी करता है। हम चेहरा पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो। अगर आप लोगों के चेहरों पर लिखी हुई मुश्किलात को पढ़ सकते हैं तो क्या उनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर अपनी तरफ से कोई ऐसा अमल करें कि उनका काम भी हो जाए और उनको यह ना लगे कि आपने उन पर एहसान किया। बड़ा कमाल है ये। दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। गिविंग विद वन हैंड द अदर हैंड शुड नॉट इवन बी अवेयर ऑफ इट। ये होती है सही नेकी। हमने नेकी और इबादत को एक कर दिया। इबादत और है, नेकी और है। इबादत नेकी नहीं है, इबादत सिर्फ पैदा करने वाले की होती है, नेकी और है। नेकी का ताल्लुक माशरे से, उन रिश्तों से है जिनसे आप मुंसलिक हैं। नेकी में इखलाक आता है, किसी से मीठे बोल बोल दिए, किसी को मुस्कुरा के देख लिया, किसी की तारीफ कर दी। मैं जब छोटा था मुझे याद है, ये बताने की बात सिर्फ इसलिए है कि शायद हम सीखें इससे। तो मैं जब मोटरसाइकिल मिली थी, उससे भी पहले की बात, जब मोटरसाइकिल नहीं थी, उस जमाने में हम दोस्त पैदल निकलते थे अतराफ के जगह पे पार्क में जाने के लिए। मुझे याद है कि रास्ते में केले का छिलका पड़ा हो या कोई और चीज़ पड़ी हो, मैं उठा के उसको साइड पे करता था, ये सोच के कि कोई शख्स फिसल जाएगा, गिर जाएगा, चोट लगेगी। रास्ते में डीजल गिरा होता था कई जगह पर सड़क पे, तो मैं मिट्टी ढूंढ कर अपनी हथेलियों में लाकर उस डीजल पे डालता था कि कोई मोटरसाइकिल वाला स्लिप ना हो जाए। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि ये काम करो, और ये काम मेरा था भी नहीं, ये सड़क साफ करने वालों का काम था। पर मैं वो काम करता था बिकॉज आई बिलीव इट वॉज द राइट थिंग टू डू। व्हेन समथिंग इज राइट इट शुड बी डन। यू डोंट नीड टू वेट फॉर सम अदर पीपल टू हेल्प यू और दे टू हेल्प, और या फिर वो लोग करें, दे हैव टू डू इट, नो फॉरगेट अबाउट इट। अब कई दुनिया में इस वक्त नया साल शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में कुछ घंटों के बाद होगा, इंडिया में आधे घंटे पहले होगा, मिडल ईस्ट में 2 घंटे 1 घंटे पहले होगा। ये जो नया साल है ये हमारा इस्लामिक तो नहीं है, इस्लाम तो शुरू होता है मुहर्रम, पहली मुहर्रम हमारा नया साल है। अलबत्ता ये हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हम इसे कट कर नहीं रह सकते, तो हमें हमेशा इनमें शामिल ना भी होना हो तो कम से कम हम इनसे दूर ना रहें। जो लोग खुशियां मनाते हैं उन्हें खुशियां मनाने दें, हर इंसान को हक है खुशी मनाने का, सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का। जश्न मनाते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें। ये जो फटाके और ये फायरिंग होती है इससे तो खैर अमवात हो जाती है, मगर ये जो फटाके होंगे 12 बजे शुरू होगी आवाज़ें, कई घरों में मरीज हैं, बूढ़े वालदैन हैं, तकलीफ में है, ये आवाज़ उनको मजीद तकलीफ में डालेगी। तो ये जश्न कैसा कि आपका जश्न किसी और के लिए अजियत बन जाए, आपकी खुशी किसी और के लिए मुश्किल बन जाए, तो लानत है ऐसी खुशी पे और ऐसे जश्न पर जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। लोग
नौजवान बिलखुसूस सड़कों पे होंगे पूरी रात, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाले जाएंगे और जोर से आवाज होगी। खुदा की कसम, ये आवाज इतनी तकलीफ दे होती है, जिन्होंने भी सुनी हो ये मोटरसाइकिल जब साइलेंसर निकाले जाते, बर्दाश्त नहीं होती। कानून हमारा अंधा भी है और बहरा भी है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग आज के रात न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते और अक्सर वो कभी पूरा होता ही नहीं, क्योंकि जोश में तो आप रेजोल्यूशन बना लेते हैं, उस जोश के साथ बिलीफ नहीं होता, पर्पस नहीं होता। इसलिए वो रेजोल्यूशन बनाएं या वो अहद अपने आप से करें कि जो आप पूरा कर सकें। हमने एक हेवन ऑफ हीलिंग में एक टॉपिक रखा था, मुझे चांद चाहिए। अक्सर दोस्तों को समझ ही नहीं आया, मैं तुम्हारी मोहब्बत में तारे तोड़ के लाऊंगा, दूध की नहरें बहा दूंगा, पहाड़ों को खोद दूंगा। बातें तो अच्छी लगती है शायरी में, अदब में, नॉवेल में, तो ऐसा काम मत कीजिएगा जो नामुमकिन हो। ऐसी रेजोल्यूशन बनाएं, ऐसी आप कमिटमेंट करें जो पॉसिबल है। वजन कम करने की कमिटमेंट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करने की कमिटमेंट करें, रिस्क के हलाल कमाने की कमिटमेंट करें, माँ बाप का अदब की कमिटमेंट करें, दूसरों का ख्याल रखने की कमिटमेंट करें, पड़ोसियों के ख्याल रखूंगा, ये कमिटमेंट करें कि वुजू करते वक्त पानी बिला वजह नहीं बहाऊंगा, पानी को मैं बचाने की कोशिश करूंगा, नहाते वक्त पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये वो कमिटमेंट्स हैं जो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके माशरे के लिए मुफीद होगी। फिर उस जवाब की तरफ आता हूं, अशरफुल मखलूकात कहने से आप अशरफुल मखलूकात नहीं बनते, करने से बनते हैं, करनी से बनते हैं। तो ये बातें आपके साथ शेयर की है। जो भी कुछ अगले साल होगा, मुश्किलात जून जुलाई तक है 2021 तक, उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, मगर नए चैलेंजेस फिर भी आएंगे। हमने सीख लिया है चैलेंजेस का मुकाबला करना। तो चंद बातें, अपने लोगों से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। जब ये इशू शुरू हुआ था और एक लफ्ज आया था सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने बड़ी मुखालिफत की थी, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकली दूर रहे इंसान, सोशली कभी दूर ना रहे किसी से। तो अगले साल ये कमिटमेंट करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, आपके घर में बेटी है तो उसको बेटे ही की तरह पालेंगे, उतना ही मकाम देंगे, अपनी बेटी को वो तालीम देंगे, हुनर देंगे, ताकि जब वो शादी करके किसी घर में जाए तो उसके पास इल्म हो, किसी की मोहताज ना हो। बेटे और बेटी को वैसे ही लाड दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कमजोर है पढ़ने में, उसे बेवकूफ, उसे स्टूपिड मत कहिएगा। हो सकता है किसी चीज में वो बहुत माहिर हो, वो आपको पता ही ना हो। रिश्तों का एहतराम कीजिएगा, आपकी बीवी, आपका शौहर एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में साथ रहिएगा। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क पे वफादार रहिएगा, उस मुल्क का पानी आप पीते हैं, उसकी जमीन से उगने वाला अनाज और फ्रूट और वेजिटेबल्स आप खाते हैं, उसकी हवाओं में आप सांस लेते हैं, उसकी फजाओं में आप सांस लेते हैं, उसके वफादार रहिएगा। मेरी ये दुआ है परवरदिगार, 2021 हम सब के लिए और पूरी आलम इंसानियत के लिए एक अच्छा साल साबित हो, और एक ऐसा साल साबित हो जहाँ इंसान जंग व जदल से पीस की तरफ आए। जब इंसान ये रियलाइज करे कि हर एक को जीने का हक है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, किसी फिरके का हो, किसी रंग व नस्ल का हो, किसी जबान का हो, हर एक को हक है जीने का, तो शायद हम ये सोच लेके चले तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 आने वाले साल दुनिया के अंदर अमन आमान हो, पीस हो। मुझे उरूज को आज उरूज नहीं है, बड़ा मिस कर रहा हूँ उसको। नॉर्मली थर्सडे लेक्चर में तो वो नहीं होती, मगर वो जिस वक्त जिस जगह इस वक्त है वहाँ इंटरनेट बहुत ही वीक है, तो वो नहीं आ सकी, वरना ज़रूर आती थोड़ी देर के लिए।
मेरे तमाम स्टाफ इंक्लूडिंग ताबी साहब, सलीम, अदनान, अर्जीना, शहजादी, एक खातून है जिनको बेनजीर, बिल्कुल बेनजीर जैसी लगती है, तस्नीम नाम है उसका, वो हो गई। फिर उसके अलावा मेरे दूसरे स्टाफ वाले सना हमारी इस्लामाबाद में, समझ साहब इस्लामाबाद में, जहाँ जैब लाहौर में, इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फ़खर का शुक्रिया, डॉक्टर मैमूना का शुक्रिया, तमाम लोगों का जो इतने सालों से मेरे साथ है। और ये साल भी हमने कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में गुजार ही लिया, बस ये समझ ले, वो शेर याद आ गया, गुजर ही जाएगी तेरे बगैर, गुजर ही जाएगी तेरे बगैर, बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी। तो गुजर ही गई इस वबा के साथ, बेकरारी भी थी, उदासी भी थी। अब इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर, कुछ चैलेंज होगा, कुछ महीनों तक फिर ठीक हो जाएगा। मुझे उरूज को, मेरे स्टाफ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021, इस ऐद के साथ कि हम मिलते रहेंगे, हम मंगल को मिलेंगे आपसे। सैटरडे मैं हेवन ऑफ फीलिंग करवाऊंगा, उरूज नहीं होगी, सैटरडे को हेवन ऑफ फीलिंग होगा, मैं करवाऊंगा, उरूज फ्लाइट में होगी, मगर मंगल से उरूज शामिल होगी आप सब में। हम सबको, मेरे स्टाफ को, उरूज को, अशफान को, सबको दुआ में याद रखिएगा। उरूज और अशफान इस वक्त तंजानिया में हैं, अल्लाह उनकी इस मोहब्बत को, इस शादी को कायम रखे, अल्लाह उनको नेक औलाद से नवाजे। मेरे बेटे सैन फ्रांसिस्को में हैं, उन सब के लिए भी दुआएं, अल्लाह ताला मेरे बेटे को, मेरी बहुओं को, सबको आबाद और शाद रखे, मेरे पोते को भी। आपसे इंशाल्लाह सैटरडे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।